रफजी लैब, जैसा कि आपको हमने रात्रि में एक खबर दिखाई कि वर्तमान के मुखिया और मुखिया अन्य मुखिया उम्मीदवार में मारपीट हुई है। अभी मुखिया जी क्षेत्र में हैं, राणा प्रभाकर सिंह मुखिया अभी वर्तमान के मुखिया हैं। क्या मामला था, क्यों मारपीट हुई है, क्या कौन लोग थे मारपीट करने में, क्या इनका किस लिए इनको मारपीट किया गया? सबसे पहले तो आपको रफजी लैब में स्वागत है मुखिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये फटा उटा हुआ है, फटा हुआ है। सुनिए, हमको भोज का निमंत्रण था अपने पंचायत के वार्ड संख्या 2 में। हम वहाँ खाने के लिए पहुँचे, हम वहाँ खाना आधा खा चुके थे। उसका मुखिया उम्मीदवार मीना देवी के पति, उनके समर्थक सुचिंतक और ये विभास कुमार सिंह उनके सुचिंतक समर्थक सब लोग मिलकर के खाना के ही क्रम में हमको मारना चालू किए। मेरा सिकरी भी छीन लिए, अंगूठी भी छीन लिए, उसके बाद बजरंग बलिया ऐसा वो लोग मारने की प्री प्लान था कि हमको मार देना है। वो तो परमात्मा का देन था कि हम बच के निकल आए, ग्रामीण के कुछ सहयोग मिला, इस वजह से हम बचे हैं। जबकि वो दोनों लोग यही चाह रहे थे कि इसकी हत्या हम करें। एक तरफ से बीना जी के पति ऐसे पकड़े हैं, मनोज कुमार सिंह उनके भतीजा उनका जैसे बेटा, उसका एक तरफ से विभास कुमार उनका भाई कागज पकड़े गया। उसके बाद और जो लोग थे वो घंटा चला रहे हैं, कोई इसकी हाइड्रोसिल प्रहलाद से मार रहे हैं। तो हाइड्रोसिल कोई कौन कौन लोग थे आप तो सबको पहचाने? पहचान है मुरारी सिंह। आपने इसका इसकी प्राथमिकी छोटा आपने इसकी प्राथमिकी दर्ज करवाई है? क्या कराई है या कराएंगे? कराएंगे कराएंगे, अभी आपने नहीं करवाया? नहीं, अभी आप जैसे आज वोट है सर, पहले उसको भी देखें। ऐसे रिपोर्ट हमें भी नॉर्मली कर चुके हैं। आवेदन आपने सना दिया है? हाँ, सना दे दिया, दे दिया। आप पे ये भी आरोप है, वो अन्य जो प्रत्याशी है, अन्य जो प्रत्याशी है वो उनका कहना है कि जो वर्तमान के मुखिया हैं वो हमारे क्षेत्र में आके वार्ड नंबर 2 में पैसा का वितरण कर रहे थे, कंबल का वितरण कर रहे थे। वो कह रहे हैं लेकिन वहाँ के एक व्यक्ति बता दे कि हम छिपा पर बैठे हुए थे कि कहाँ थे। हम पत्थर पर बैठे हुए, आधा खाना मेरा वहाँ है, कहीं किसी का एक रुपया देने का काम मैंने नहीं किया। हम बैठ के कौर उठा रहे थे, मेरे पत्थर पर चावल भी बचा हुआ है, साना हुआ चावल। अब रूमर उड़ाने के लिए तो वो कुछ भी कह सकते, कम्बल बाँट रहे, रुपया बाँट रहे हैं, वो तो कुछ भी आरोप लगे। जबकि वो दोनों एक होकर के हमारे हत्या का प्लान बना सकते हैं, तो कुछ भी कह सकते हैं, इसके लिए तो वो स्वतंत्र है। तो उन लोग का भी तो कहना है, उन लोगों का भी कहना है कि अब पंचायत चुनाव था और पंचायत चुनाव में आके रात्रि के समय में वो पैसा बांट रहे हैं। हमारा टाइम हो रहा है, टाइम पता कीजिए, 7:15 बज रहा है, अरे 6:30 बज रहा है, 6:30 बज रहा है भाई मेरे। उसके बाद मेरे गांव में 7 बजे एक उम्मीदवार में, दो उम्मीदवार में ओकरेंस हुआ, 7:30 बजे ओकरेंस हुआ है। हमारे गांव में भी 7:30 बजे ओकरेंस हुआ है, किससे सो भी जान लीजिए, टेम्पू छाप से और चिमनी छाप से। उस समय हम गांव में प्रेजेंट हैं, यहाँ से हमारा सामान लोग लेके गया है उठा के, हम गिरे हुए थे, ग्रामीणों के कुछ सहयोग से हम बचे भी हैं, इसके लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये दोनों लोग के, इनके समर्थक दोनों आदमी बीना देवी के हों, विभास कुमार के हों, अभी कैमरा छाप इधर मोमबत्ती छाप के, ये लोग का प्लान था कि हत्या कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि जो अभी वर्तमान के निवर्तमान मुखिया हैं राजपुर पतसिया पूरब पंचायत के, ये अन्य जो मुखिया के प्रत्याशी हैं उन पे ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी जान मारने की पूरी उनकी मंशा थी, लेकिन हमें ग्रामीणों के माध्यम से कुछ ग्रामीण आ गए जिसके कारण हम बचकर यहाँ से निकले। रफजी लैब के साथ विशाल रंजन की रिपोर्ट, राजपुर पतसिया पूरब मोहदी नगर समस्तीपुर जिला से। जय हिंद।